इस बीच सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निवास पर पथराव हुआ है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है, जानकारी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है और इससे जुड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है कि ये पथराव किसने किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली और गुरुग्राम का दौरा है। गुरुग्राम में एरो स्पोर्ट्स उत्सव कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। गुरुग्राम से दिल्ली रवाना होंगे सीएम मनोहर लाल। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है और ये पथराव किसने किया है अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निवास पूरी तरह से सिक्योरिटी से, सुरक्षा कर्मियों से सुसज्जित रहता है, लैस रहता है, बावजूद इसके ऐसी हिमाकत किसने की है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है, यह जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम और दिल्ली का दौरा है। गुरुग्राम में एरो स्पोर्ट्स उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। गुरुग्राम से दिल्ली रवाना होंगे सीएम मनोहर लाल। लेकिन इसी बीच बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है, लेकिन यह पथराव किसने किया है यह जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन ज्यादा जानकारी जानने की कोशिश करते हैं, हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, इस खबर से संबंधित अपडेट क्या मिल पा रहा है? यश, अगर बात की जाए, देर रात अज्ञात युवकों द्वारा करनाल में जो मुख्यमंत्री के जो विधानसभा मुख्यमंत्री का जो निवास है वहां पर कुछ अज्ञात युवक आते हैं और वहां पर जो उनकी कोठी के ऊपर, जो उनका मकान है उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जैसी जानकारी जो नजदीकी जो लोग थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्हें सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी वारदात हो रही है। और वहीं जो लोगों ने, पड़ोस के जो लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस तुरंत ही, क्योंकि नजदीकी जो थाना है थाने से पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा खंगालती हुई नजर आ रही थी। जी लक्ष्य, अगर बात करें अज्ञात युवकों की क्या पहचान हो पाई है? चूंकि बात करें सीएम मनोहर लाल का जो निवास है वहां पर सुरक्षा कर्मी लगातार तैनात रहते हैं, पूरी तरह से सुसज्जित रहता है सब कुछ, लैस रहते हैं सुरक्षा कर्मी, लेकिन ऐसी हिमाकत किसने की है? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है और ऐसे में जहां पे सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद थे और जब सुरक्षा कर्मी भी वहां से उन्होंने जैसे उनको भी पता चलता है तो उसके बाद वहां पर उन्होंने भी सूचना जरूर दी है, तो उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो पहुंचते हैं और उसके बाद अब जो पुलिस है आगामी कार्रवाई करती हुई जरूर नजर आ रही है, जो फुटेज है वो खंगालती हुई नजर आ रही है और जैसी सूचना पुलिस के पास पहुंचती है जैसी और जल्दी उन पर उनकी जो अज्ञात युवक है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी लक्ष्य, अगर बात करें अज्ञात युवकों की संख्या कितनी बताई जा रही है, क्या इसको लेकर कोई एग्जैक्ट फिगर आई है? बिल्कुल, जो जो वहां पर जो गार्ड था, जो वहां पर कर्मी तैनात था, उसका कहना है कि लगभग 6 से 7 लोग थे जो ये पथराव जो कर रहे थे वहां पर पहुंचे और ऐसे में पुलिस को सब जो है सूचना, जो मौके पर जो जो गार्ड था उन्होंने सूचना सारी दे दी है। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद हैरान कर देने वाली ये जानकारी है और देर रात का ये मामला बताया जा रहा है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन जानकारी के मुताबिक 6 से 7 ये अज्ञात युवक थे जिनकी पहचान लगातार की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली जानकारी यहां पर यह है कि हाई सिक्योरिटी से लैस रहता है सीएम मनोहर लाल का ये निवास, लेकिन बावजूद इसके अज्ञात युवक वहां पर आते हैं, पथराव करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। और जैसे ही इस संबंध में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और सीसीटीवी को खंगालने में जुट जाती है ताकि इन अज्ञात युवकों की पहचान की जा सके और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो करनाल से बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी, सीएम मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ है, अज्ञात युवकों द्वारा देर रात ये पथराव किया गया है और तकरीबन 6 से 7 अज्ञात युवक ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने सीएम मनोहर लाल के निवास पर पथराव किया है। और जैसे ही पथराव की सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके का जायजा लेने के साथ साथ
सीसीटीवी फुटेज जो आसपास लगे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश लगातार की जा रही है ताकि इन अज्ञात युवकों पर न केवल एफआईआर दर्ज की जा सके बल्कि उनको पकड़ा भी जा सके, ताकि ये पथराव किस वजह से किया गया, इसके पीछे किसका हाथ है, इसका भी खुलासा हो सके। तो सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी एकजुट हो गए थे, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो करनाल से बड़ी जानकारी, देर रात सीएम मनोहर लाल के निवास पर पथराव हुआ था और देर रात की तस्वीरें क्या थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर से संबंधित ये तस्वीरें हैं जब स्थानीय लोग भी एकजुट हो गए थे और एक तरह से कहें कि वहां पर हड़कंप मच गया था तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि सीएम मनोहर लाल का निवास हाई सिक्योरिटी से लैस था, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन यह पथराव किन युवकों ने किया है इसकी तलाश लगातार जारी है।